नेक्स्ट मेथड इज फिनोल. इट इज अ मेथड ऑफ सेपरेशन यूज्ड टू सेपरेट हैवियर एंड लाइटर कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर बाय विंड और बाय ब्लोइंग एयर. ये विनोइंग जो मेथड है इसके अंदर किस तरीके का मिक्सचर होना चाहिए कि उसमें जो कंपोनेंट्स मिक्स हैं, जो सब्सटेंसेस उसमें मिक्स हैं, तो एक तो हैवियर होना चाहिए और दूसरा लाइटर. अगर इस तरीके का कोई कंपोनेंट्स या सब्सटेंसेस आपस में मिक्स हैं तो वहाँ पे हम विनोइंग मेथड से या उन जो कॉम्पोनेंट्स या सब्सटेंसेस है उन्हें हम अलग कर सकते हैं. इसकी हेल्प से बाय द हेल्प या बाय विंड और बाय ब्लोइंग एयर. अगर नेचुरली अगर हवा वहाँ पे चल रही है तो उसकी हेल्प लेके हम उन्हें अलग कर सकते हैं. जैसे आपने फील्ड्स के अंदर देखा है मोस्टली कि ना फील्ड्स में क्या करते हैं जो फार्मर्स हैं वो जो ग्रेन्स हैं जो गेहूं हैं उन्हें उनकी जो कवरिंग या हस्क से वो इसी तरीके से उनको वहाँ पे विनोइंग मेथड के थ्रू उन्हें अलग करते हैं. अगर जैसे घर में हम कर रहे हैं और घर में हम गेहूं वगैरह साफ कर रहे हैं तो वहाँ पे अगर बहुत रेयर ही होता है क्योंकि ऑलरेडी फील्ड के अंदर साफ हो चुका होता है, बट फिर भी अगर रह जाता है इस तरीके का जैसे हम मिलेट लें बाजरा या गेहूं या जो भी है हम साफ करें तो हम उसे किसी प्लेट में या चलनी में उसको लेके जोर जोर से क्या करते हैं उसको फटकते हैं. तो वहाँ पे क्या होता है कि या तो नेचुरली विंड चल रही हो या फिर हम आपने देखा होगा कि जो मम्मी अगर कर रही है तो वो पास में टेबल फैन लगा देती है ना, एक फैन चला लेती है, तो वो हम क्या कर रहे हैं विंड को फ्लो कर रहे हैं, हवा चला रहे हैं. तो उसकी हेल्प से क्या होता है जो हैवियर ऑब्जेक्ट है वो हमारी प्लेट में चलनी में रहते हैं और जो लाइटर है जो हस्क है जो उसके ऊपर की जो कवरिंग है वो उड़ जाती है, वो बाहर उससे वो सेपरेट हो जाते हैं. एंड यूजली दिस इज द यूज टू सेपरेट द हस्क फ्रॉम ग्रेन्स. तो इस तरीके की जो मेथड है जो विनोइंग मेथड है वो मोस्टली हम कहाँ पे यूज करते हैं कि ग्रेन्स के ऊपर जो हस्क है उसके जो कवरिंग है लाइटर कवरिंग है उसको हटाने में उसको सेपरेट करने में हम जो विनोइंग मेथड है वो यूज करते हैं. नेक्स्ट इज सीविंग. ये भी हमने मोस्टली हमारे घर के अंदर आराम से देखा है. It is a method of separation in which the mixture is passed through a filter or a sieve. Sieve means chalni, jo humne hamare ghar ke andar bahut acche se dekhi hai. To iske andar kya hai? The large particles, loosely, the impurities do not pass through the filter and hence collect on the sieve. The finer particles flow past the sieve and can be collected below. To jaise ki hum ek example le sakte hain humne कि आपकी मम्मी ने आपके लिए दूध बनाया, तो आप दूध बना दिया तो उसने आपने बोला कि नहीं इसके ऊपर तो मलाई आ रही है, देन मम्मी क्या करेंगी उसको चलनी से या सीख से उसको छान के आपको देगी. तो जो उसके लार्जर पार्टिकल्स है यानी जो उसके ऊपर की इम्प्योरिटीज जो आपको नहीं चाहिए तो वो क्या होती है वो सीव के ऊपर कलेक्ट हो जाती है, ऊपर ही रह जाती है और जो मिल्क है वो छन के नीचे आ जाता है. तो इस तरीके से हम क्या करते हैं उसे अलग कर लेते हैं. या फिर एक एग्जांपल ले सकते हैं चाय का कि मम्मी जो घर में चाय बनाती है तो उसमें भी वो क्या करती हैं कि जो चाय बनाती है उसमें टी लीव्स उसमें होती हैं, तो टी लीव्स के साथ तो हम उस चाय को पी नहीं सकते ना, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं सीव का यूज़ करते हैं, चलनी का यूज़ करते हैं. तो चलनी के जब हम उसमें चाय को हम छानते हैं तो जो टी लीव्स है वो ऊपर चलनी के ऊपर रह जाती है क्योंकि वो कैसी है वो लार्ज पार्टिकल्स है इसीलिए वो ऊपर उस पर फिल्टर के ऊपर या सीव के ऊपर रह जाते हैं और जो हमारी चाय है वो नीचे छनकर आ जाती है. और एक और एग्जांपल ले सकते हैं हम कि किसी भी कंस्ट्रक्शन साइट पे हमने देखे बहुत बड़ी बड़ी जो वो सीव है वो यूज करते हैं, तो वहाँ पे क्या करते हैं वो लोग कि उन सीव से कि जो जो यूज करते हैं सैंड वगैरह वो उसको साफ करते हैं प्योर करते हैं, तो उसमें जो स्टोन्स वगैरह होते हैं सीमेंट है और सैंड उसको यूज करते हैं, तो वहाँ पे जो स्टोन्स होते हैं तो वो छानते हैं सीव से तो वो स्टोन मारे जाते हैं और जो फाइनल पार्टिकल्स हैं वो नीचे चलनी में से अलग हमारे पास में आ जाते हैं. तो ये सीविंग मेथड यहाँ पे हम यूज करते हैं. आवर नेक्स्ट मेथड इज सेडिमेंटेशन एंड डीकेंटेशन. द फर्स्ट इज सेडिमेंटेशन. व्हाट इज सेडिमेंटेशन? द प्रोसेस ऑफ सेटिंग डाउन ऑफ heavier and insoluble components from the mixture. That is called sedimentation. यहाँ पे हम ले सकते हैं कि water हमने लिया और उसके अंदर जो sand है उसको हमने dissolve कर दिया, तो क्या sand उसमें dissolve हो जाएगी? तो sand उसके अंदर dissolve नहीं होगी. That is insoluble components. कि वो water में soluble नहीं है, वो insoluble है, तो उसकी वजह से अगर हम पानी को थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं तो वहाँ पे क्या होता है जो sand है वो
पानी के अंदर नीचे की तरफ बैठना स्टार्ट कर देती है, यानी वो सेडिमेंट होना स्टार्ट कर देती है। तो जो नीचे हमको जो कंपोनेंट्स जो हमको मिलता है कि वो नीचे की तरफ जो कंपोनेंट्स बैठ गया है, जो कलेक्ट हो गया, जो इकट्ठा हो गया, कहते हैं सेडिमेंट। उसके बाद में नेक्स्ट है, और जो सेडिमेंट होने के बाद में कि जो रेजिड्यू जो नीचे रह गया है वो सेडिमेंट है, और ऊपर हमको क्या मिलता है, लिक्विड बिल्कुल क्लियर वाटर, दैट इज सुपर नाइट्रेट वाटर। ठीक है, तो जो पानी है, तो दोबारा से बोलती हूँ कि जो पानी है उसके अंदर जो हमने सैंड डिजोल्व करी है, दैट इज इनसॉल्युबल, क्योंकि वो पानी के अंदर डिजोल्व नहीं होती। थोड़ी देर उस वाटर को रखने पर जो सैंड है वो नीचे इकट्ठी हो जाती है, दैट इज सेडिमेंट, और जो ऊपर हमको क्लियर वाटर मिलता है, दैट इज सुपर नेटेंट वाटर। देन डिकंटेशन, डिकंटेशन कैन बी डिफाइंड एज अ टेक्निक थ्रू विच इनसॉल्युबल लिक्विड्स और अ लिक्विड एंड सॉलिड सब्सटेंसेस आर सेपरेटेड। कि डिकंटेशन में जब हमको कि जो सैंड है वो नीचे इकट्ठी हो गई है, सेडिमेंट हो गई है, और ऊपर जो वाटर है वो बिल्कुल क्लियर हमको मिल गया है, तो अब हम उसे दूसरे फ्लास्क के अंदर बिना जो डिस्टर्ब किए, जो सैंड है नीचे सेटल डाउन हो गई है, उसको बिना डिस्टर्ब करे जो ऊपर का क्लियर लिक्विड है उसको हम दूसरे फ्लास्क के अंदर, दूसरे किसी भी वेसल के अंदर हम अलग कर लेते हैं। तो ये जो प्रोसेस होता है दैट इज डिकंटेशन। देन नेक्स्ट वन इज फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन के अंदर इट इज अ प्रोसेस ऑफ पासिंग द मिक्सचर थ्रू अ फिल्टर टू रिमूव द सॉलिड पार्टिकल्स फ्रॉम द लिक्विड लिक्विड कॉम्पोनेंट, फ्लूड कॉम्पोनेंट और ऑफ द मिक्सचर। कि यहाँ पे वही है कि किसी भी लिक्विड में से या फ्लूड के अंदर से जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं हम उनको अलग कैसे करेंगे, तो वहाँ पे हम यूज कर रहे हैं किसका, एक फिल्टर पेपर का। फिल्टर पेपर होता है लाइक अ पेपर होता है जो हम लैब वगैरह के अंदर यूज करते हैं फिल्टर पेपर। तो वहाँ पे हम जैसे मडी वाटर ले सकते हैं कि पानी के अंदर मड जो है हमने मिली भी है, तो अगर हम उसको क्या कर रहे हैं, फिल्टर पेपर लेके उसको उसमें से छान रहे हैं, फिल्टर कर रहे हैं, तो जो मड है वो ऊपर रह जाता है और जो क्लियर वाटर है वो नीचे हमारे पास में जो पीकर उसके अंदर हम कलेक्ट कर लेते हैं। तो जो फिल्टर के ऊपर जो वेस्टेज है, जो हार्मफुल जो हमने अलग कर रहे हैं, दैट इज रेजिड्यू, और जो फिल्टर के बाद में नीचे हमने क्लियर इकट्ठा किया, क्लियर वाटर जो फ्लूड हमने कलेक्ट कर रहे हैं, दैट इज फिल्टरिंग। तो इस तरीके से हम फिल्ट्रेशन जो फिल्ट्रेशन जो मैथड है वहाँ पे हम ये जो सॉलिड पार्टिकल्स और फ्लूड को किस तरीके से सेपरेट कर सकते हैं, तो बाय फिल्टर मैथड, बाय फिल्ट्रेशन के मैथड से हम उन्हें अलग कर सकते हैं।